करमजीत ने तलवार मार दी। नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों मेरा हाजिर राम राम। जैसे कि कई दिन से मुद्दा वायरल हो रहा है गांव बापोड़ा जिला भिवानी का, कि गांव के गांव में शादी चाचा बेटी के रिश्ते शर्मसार, लेकिन कसूरदार कोई और। यहां एक बड़े भाई की हत्या कर दी और पिताजी के हाथ काट दिए। मैंने उस घर में जाके परिवार के ब्याह लिए हैं, चाचा के लिए हैं, माँ और ताई के लिए हैं, वो पुत्रवधू परेशान है जो इनकी बेटा मार दिया गया है बड़े वाला, उनके भी बयान लिए हैं। लेकिन आज मैं पीजीआई पहुंचा हूं, वही गोपीचंद जी जिनके हाथ काटे हैं। गांव के गांव में कई सारे लोगों ने रात में 11-12 बजे हमला किया और एक बेटे को मार दिया और इनके हाथ काट दिए। तो एक दो बात मैं इनसे भी लेंगे और आपके सामने रखेंगे। राम राम जी। नाम के हिसाब अपना नाम बता दें। गोपीराम जी। गाँव अपना बापोड़ा। ये वजह क्या हुई थोड़ा दर्शकों बताओगे आप लोग, कितने आदमी थे, कई बजे का हमला था? ये 11:30 बजे ही बस है और 23 तारीख थी। एक सरजीत था और कुकी था, तो सोनू वो क्या बोलते उसको संदीप सोनू और परमजीत करमजीत सरजीत ने ये कहा अगर इसको छुट्टी बच्चों में काट दो और उसने तलवार मारी मेरे साथ। सोनू इसने क्या नाम इसका करमजीत ने मेरे तलवार मार दी। लड़कों को बाहर ले खींच के मेरे छोटे बच्चे भी उठा के बाहर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनके भी लगी हुई छोटे, और मेरे लड़का उन्हें पता नहीं कहाँ ले गए कहाँ नहीं ले गए, खींच के मार दे। आपका बेटा कहाँ है सोमवीर, पता है आपको? जी मेरे को कोई पता नहीं, बहुत बाहर ले गए थे, मेरे को कोई पता नहीं। फिर मैं गिर दिया मैं भी। चोट लगने बाद में सोमवीर से मिले आप लोग? नहीं जी नहीं मिला, कोई पता नहीं। हम अभी कुछ वैसी बातें मैं नहीं बताना चाहूँगा जो यहाँ से बाहर जाके वो चीज़ दर्शाऊंगा आपको, क्योंकि मैं साइड में आगे एक क्लिक बना रहा हूँ और आपको दर्शा रहा हूँ। एक बाप को ये पता भी नहीं अभी कि बेटे का दाह संस्कार हुए कई दिन हो गए, एक बेटा लापता है और दूसरे बेटे का दाह संस्कार हो लिया, अभी बाप को पता भी नहीं है और इसके हाथ कटे हुए हैं। इसी मारे मैं ये क्लिक रूम के बाहर आके हॉस्पिटल के रोहतक पीजीआई मौजूद हूँ और यहाँ बाहर आके आपको बताना चाहता हूँ ये चीज़। आपका बेटा लाला और वो लड़की लापता हुई है, जो रिश्ते में क्या लगते थे चाचा भतीजी बताए ना, ये चाचा भतीजी कभी दूसरे गोत में थे? दूसरे गोत में। हाँ जी। गांव के गांव में देखो बहुत शर्मसार काम है जी, वो भी किसी की बेटी है, गलत किया वो भी किसी की बेटी है, हम उसके आगे पीछे नहीं है। फिर हमारे पे कैसे लिए हमला हुआ है? बेटे ने गलती करी है, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करो, कोर्ट सजा देगा। ये हम तो पहले बोलते हैं हम उसका आगे पीछे नहीं जी मार दो दिनवान वाल, हम किसी को नहीं। फिर ये हमारे साथ तो गलत किया गया है, इसका हमारा समाधान होना चाहिए बस। आपकी आवाज़ अगर हमारे पुलिस प्रशासन के कानों जाओगी, क्या बताना चाहो आप लोग अपने दुख को लेकर? ये बताना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, मेरे बच्चा का को बड़ा ध्यान रखे भाई, हमारा समाधान सुरक्षा दी जाए, हमारे को सुरक्षा दी जाएगी ना तो हमारा परिणाम ना तो वैसे 3 बार कर चुके ही है। हाँ अखबार में लिखड़ी हुई है, अखबार की नकल हमारे पास घर में पड़ी हुई है, और सबसे ज़्यादा सुरजीत और कोकी ये करवा रहा है, सुरजीत करवा रहा है और ये करवा रहे हैं, 3-4 भाई है, ये तीनों करवा रहे हैं। तो आपके जो हाथ काटे थे ये ऑपरेशन हुआ फिर यहाँ पे? हाँ जी ऑपरेशन हुआ है जी जी। तो अभी तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत तो ढीली है, बहुत ज़्यादा ढीली है। और घर पे बताया जो आपके मिसेज आंटी मारी, उसके भी 8 गोले फोड़ रखे हैं? फोड़ रखे जी, उसके फोड़ रखे हैं। कै बजे का हमला था जी? 11:30 बजे का, कोट तोड़ के अंदर घुसे, सुते पड़े थे जी, दरवाजे तोड़े हैं। हाँ दरवाजे तोड़ दिए, जैसे कि मैंने वीडियो में दिखा था पिछली में, दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे हैं। तो 2 पल्ले होते हैं चौकट के, 1 पल्ला तोड़ रखा है, दरवाजा था ही नहीं वहाँ पे। मैंने साफ साफ लाइव तस्वीरें दिखाई है वहाँ गाँव में जाके भिवानी में, और मैं इनके पास में इसी मारे आया हूँ ताकि कुछ जनता का ये मानना है हो ना हो ये परिवार कुछ और बता रहा हो और दर्शा रहा हो, लेकिन ये एक्चुअल में हकीकत कहानी है। इनके हाथ काट दिया, ऑपरेशन से जोड़ा गया है एक हाथ और एक हाथ इंजर्ड है, लेकिन काम दोनों हाथों में से कोई भी नहीं कर रहा अभी भी। मैं इनसे भी लेना चाहूँगा, अभी कोई सा हाथ आपका काम कर रहा है जी? नहीं जी नहीं कर रहा, मेरा कोई हाथ काम नहीं कर रहा, सीधे नहीं हो रहे हैं, काट के अलग कर रखा, ऑपरेशन से जुड़े हैं। हाँ
अभी आपकी तबीयत कैसी है जी? तभी बहुत ज्यादा दिल्ली जी, हाथ उठते नहीं, सारा तो वैसे पड़े रहता हूँ, मेरा दम ही रहता मेरे पास, ये संभालता मेरे। जो छोटा बेटा लाला लेकर फरार हुआ गाँव के गाँव में, उसका कोई कॉल कॉल हुआ आपसे? नहीं नहीं, मैंने फोन मिलाना नहीं आता जी, कोई भी मिलवा दे तो मिला लूँ। आप क्या काम करो जी? मैं जी झाड़ू पोछा काम करता हूँ कोठियों में, शहर के अंदर भी होनी। जो नहीं इतने बेरहमी से वारदात करी, थोड़ी बहुत नहीं लाज डर भगवान से डर के नहीं सोचा कुछ उन्होंने? नहीं सोचा जी, उन्होंने कुछ नहीं सोचा। उनने पहले भी एक तुम्हारा को आदमी मारा और उनका बगल रहा, कोई कभी गाड़ी लूट लेते हैं ये, एक शंकर नाम का है, सोनू है, संदीप है, ये घंटे गाड़ी लूटते रहते हो। जैसे आपके भाई ने बता दिया कि 14 आदमी के नाम से एप्लीकेशन दी, उनमें से 12 लग बगैर गिरफ्तार कर लिए हैं पुलिस ने, एक दो बचा है पुलिस के ऊपर, और हमारी न्याय प्रणाली है कानून व्यवस्था उस पर भरोसा रखिए, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, मेरे बच्चों को इंसाफ बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। 14-15 आदमी और कहां टूटा ये आपको? और तो ये माथे में जी, यहाँ पर थोड़ी दिखाई हुई गुआड़ में, ये माथे में भी टाके हैं जी, हाथ तो बिल्कुल अलग हैं, कुल कोस पैरों में से लग रहा है, हालात वो हैं शायद जो बताना मुश्किल है, और जिसके ऊपर बीत रही होगी उसको कैसा लग रहा होगा। हो ना हो, अगर ऐसे हालात में आरोपी ढिलाई गुलाई हो जाए, बच कर निकल जाए, आज इतनी बड़ी वारदात है, कल तो पता नहीं कितनी बड़ी और हो। तो हमारे उच्च अधिकारी आला है, उनसे खास तौर पर साफ साफ निवेदन है कि ऐसे काम में जो है सख्ती से पेश आए, ताकि हमारा जो जनता का पुलिस प्रशासन एक सुरक्षा कवच है, और आज ये बुजुर्ग हैं मजदूरी करने वाले, झाड़ू पोछा करने वाले, हाथ काट दिए बिल्कुल, हॉस्पिटल में पड़े हैं। और बेटे के बारे में मैं आपको साइड में जाके क्लिक आपके यहाँ जरूर शेयर करूँगा, और आप लोग भी ये हालात देखो इनके, वो दुविधा है जो शायद कहते हुए भी रूह कांप जाती है। बेटे के साथ आज बेटे का पता नहीं, उन्होंने एक बेटा लापता है, बड़ा बेटा सोमदेव उसके बारे में पता नहीं है। तो इसको ज़्यादा आप लोग शेयर करना, ताकि जितना शेयर करेंगे उतना ही इस परिवार को हिम्मत मिलेगी। और दूसरी बात एक और भी, आज पुलिस प्रशासन ने बड़ी सख्ती से पेश आए हैं, 3-4 दिन में ही 14 में से 12 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया है, और आप लोग भी इनके हौसले की ताद देना, सपोर्ट करना, सहयोग करना, और थोड़ा कहने को जा समझना, किसी बात की पुष्टि मीडिया की नहीं है, तमाम बातें पीड़ित परिवार का बताना है, और इसको बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद, सत्यमेव जयते।